हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज और आप देख रहे हैं वितेज फार्मा एंड टैक्स हाउस। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई कार्बन का इंडियन 40 मतलब 40 इंडियन का कोई प्रोडक्ट हो और उसको अगर ये टच जो है, देखिए इसका ये डैमेज हो गया है, तो हम इसके टच को इसमें लगाएंगे। तो ये कैसे लगाएंगे और इसका जो रियल कॉस्ट वो क्या है, मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं इंडियन कार्बन 40 जो है उसका टच कैसा है और कितने का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कार्बन का इंडियन 40 मतलब 40 इंडियन करके मॉडल है। और इसका जो मॉडल है, इसका ये टच हमें डैमेज हो गया था इसमें से, तो हमको इसको लगाना है। तो देखिए, इसका जो रियल कॉस्ट मैं बता दूँ, ये मात्र 160 रुपये का ये आपको टच मिल जाएगा। 160 का इसका टच है और इसकी सर्विस चार्ज हम लोग 200 रुपये लेते हैं फिटिंग की पूरी। तो ये आपका लगभग 360 रुपये का पड़ जाएगा। और अगर आपका कोई डैमेज हो तो आप लगवा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इसमें लगाने के लिए इस जिलिंडा का हम प्रयोग करेंगे। वैसे तो इसके अंदर स्टिकर देखिए लगा हुआ होता है, ये देखिए चिपकने के लिए, लेकिन क्या तो ये हल्का गम होता है, इसलिए कभी कभी ये छोड़ देता है, बाहर छोड़ देता है। तो हम इसका यूज़ करेंगे जिससे कि आपका ये एकदम फिट हो जाए। और इसको टाइट करने के लिए हम इस सेलो टेप का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम कैसे इसमें लगाएंगे, ये देखिए, ये देखिए इसका फ्रेम है। फ्रेम में ये आपका यहाँ पर फ्रंट स्पीकर देखिए इसका लगा हुआ है। तो ये फ्रंट स्पीकर है, इसका अगर रिपेयरिंग कराना होगा तो मात्र आपको 80 रुपये देने होंगे। तो उसके बाद देखिए, इसके अंदर आपका देखिए, इसके बाद ये इसका डिस्प्ले है विद फ्रेम है कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका ये पीछे का पैनल है, ये आपका इसमें सर्किट बोर्ड है, ये डिस्प्ले है। और उसके बाद ये बैटरी है, ये पैनल है। अब हमें इसको देखिए इसके अंदर फिट करना है, तो चलिए हम इसको फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम को इसमें हमारे यहाँ पर जो होता है ना, यहीं फ़िट करना होता है। तो सबसे पहले हम इस टच को इसमें फ़िट करते हैं। तो इसके लिए हम इस पेस्ट का यूज़ करते हैं, ये देखिए ये पेस्ट है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका पेस्ट का जो है यूज़ करेंगे साइड साइड में, ये देखिए जितना अच्छा से ये पेस्ट लगा रहेगा आपका ये जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाएगी। इसमें फ़िट करते हुए आपको ध्यान देना होगा, बढ़िया से पेस्ट लगाइए जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो एक नंबर का फिट हो। और अगर आप पेस्ट को हल्के से लगाएंगे, कम लगाएंगे, तो आपका जो डिवाइस है वो बाद में ओपन हो जाएगा टच आपका, फिर वो डैमेज भी हो सकता है। ये देखिए मैंने चारों तरफ इसके पेस्ट लगा दे रहा हूँ। ये पेस्ट मैंने लगा दिया, उसके बाद ये टच है, टच को हम यहाँ से प्लास्टिक इसमें लगा होता है, इसको लगाने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चेक नहीं करेंगे और कहीं ये डैमेज होगा तो बाद में वापसी भी नहीं होती है, क्योंकि वारंटी इसी स्टिकर बेस पर होती है। तो फिर देखिए मैंने ये कर दिया है, लगा दीजिए इसको अच्छे से। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। ये देखिए बहुत ही आसान है इसके टच को लगाना। और ये देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे पट कर देते हैं, उसके बाद ये फ्रेम इसमें लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी है, अगर आप चाहें तो इसको आसानी से एकदम फिट करके लगा सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आप नए यूज़र हैं तो। ये देखिए एक नंबर का हो गया ये, उसके बाद इसमें इसको फिट कर दीजिए। ये देखिए अभी आपका एकदम फिट हो गया है फ्रेम के साथ कंप्लीट। इसको ये देखिए यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो गया, फिट हो गया है, ये देखिए आपका पूरा फिट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके फ्रेम को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। फ्रेम लगाने के बाद हम इसको चेक भी कर लेंगे कि ये आपका प्रॉपर तरीके से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और
इसकी जो पेंच वेच हैं सब हटा लें, यहाँ पे पेंच लगता है अंदर घुस गया है, ये देखिए। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए आपका हमने टच पूरा लगा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ये कार्बन का इंडियन A40 का प्रोडक्ट है ये। इस टेप का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे और अच्छे से इसको फिटिंग करना है, मैं तो अभी करूँगा और एकदम अच्छे से, और इसके लिए मैं ये ढक्कन का यूज़ कर लूँगा। इसके बीच पीछे भी जो बैक पैनल है, अब ये देखिए मुझे चेक करना है, हम लोग चेक कर लेते हैं टच अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए ये आपका टच जो है अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है इस वक्त, आप देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल रितेश फन वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन के लिए। अगर इसको आपको करना है तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप टेपिंग करके इसको टाइट फिटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका टच जो है वो हिले ना। यहाँ देखिए एकदम टाइट फिटिंग हो जाएगा एक नंबर का। ये देखिए ये देखिए एकदम एक नंबर का फिटिंग हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल रितेश फन वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन देखने के लिए। ये देखिए टच आपका एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है।